कहीं नाव कहीं मास्टर है? मास्टर नहीं है। कितने साल हो गए? 6 साल का। नौ नोट में हमें एक नोट बनाया तो ये तो आपा थोड़ा जिन्ना वाला कम बता रहे 3 किलो बनाए नहीं 5-7 किलो बना दे। 5-7 किलो में? 5-7 किलो आप बढ़िया बने हैं पूरे महीना 5-7 किलो रोट वो तो 15 आदमी जिम्मी एक रोट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राजेश जोन। तो दोस्तों, मैं अभी पश्चिमी राजस्थान की यात्रा कर रहा हूँ। पश्चिमी राजस्थान में जो बॉर्डर इलाका है, सीमावर्ती गांव है, वहाँ पे हूँ। तो अभी मैं सुहा वाला कुआ है उस जगह पे आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको इनकी लोगों की दिनचर्या दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये लोग रहते हैं, सुबह सुबह क्या 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 काम करते हैं। और आप सामने देख पा रहे हो हमारे सूर्यदेव भी उग चुके हैं और सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम रात को उस जगह पे सोए थे, चारपाई लगा के सामने देख रहे हो ना, उस जगह पे सोए थे। और कुछ यहाँ का ये बहुत ही सुंदर ये नज़ारा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप इस जगह पे आके गए हो या पहले वीडियो देखा है। तो ये कुछ तरह का ये सुंदर ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, कितनी शांति भरा ये यहाँ का वातावरण है आप देखोगे, क्योंकि इधर बहुत सारे कौवे बैठे हैं, चिड़िया है, पूरी प्यारी प्यारी आवाज़ें आपको सिर्फ इस डेजर्ट इलाके में ही सुनने को मिलेगी। तो यहाँ के जितनी भी जो भेड़ बकरियाँ चढ़ने गई थी वो अब धीरे धीरे जो पानी का जो यहाँ पे टाका बना हुआ है उस जगह पे आ रही है, पानी पी रही है। तो इस जगह पे 100 प्लेटें लगी हुई है जिससे ये पानी निकालते हैं और ये एकमात्र इस इलाके में लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर यही इसी जगह पे पानी है। और इस तरफ आप देखोगे तो रेत के धोरे धोरे हैं, धोरों में दिन में चढ़ने के लिए जाती है, रात को भी चढ़ती है और सुबह मॉर्निंग में जल्दी ये पानी पीने के लिए इस जगह पे। आप कितनी भेड़ है? 200 भेड़ है। पेड़ को दूध निकालो जो बचका ही काम ले। बच्चा ने पिलाओ चरण वास्ते आप कचरो डाल लिया हो कहीं छोटे चरण नहीं है कंकड़ में चरण है नहीं बरसात अब करिए पहले बरसात बरसात हुए तो ही अन चारों मिले नहीं तो मोल लाउन पड़े। अच्छा ये सर मोल दूर लिया है। अच्छा कितना दूर लाना पड़े चारों सारो एक झाल लिया हो दूर कितो आगे होना है ये मुरबा हो ना मुरबा जेते नेर लाग रही बटो ले रहा नेर सुन लिया हो। आप रो कहीं नाम समन से ये कितना परसों ले रही हो है कितना परसों ले रही हो ये पेन पिताजी की थी उसके बाद है हमारी। अच्छा अट स्कूल बच्चों का पढ़ने वगैरह स्कूल है नहीं बंद कर गया। अच्छा कितने बच्चे आप दो स्कूल नहीं जाते स्कूल अभी है ही नहीं के क्या जाए पढ़ाना चाहते हो पढ़ाने चाहते हैं स्कूल वे नहीं है पढ़ाने चाहते हैं अभी गाँव को रोटी नहीं खाए हम यहाँ रहते हैं तो गाँव कौन रोटी खाओ हम यहाँ पर तो बच्चा गाँव में रोटी कुल कहीं नाव कहीं नाम हमारा गजेंद्र है। मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। मास्टर है? मास्टर नहीं है। कितने साल हो गए? 6 साल का हूँ। आप 6 साल के हो? मास्टर आपने समझने के बाद में कभी देखा यहाँ पर? नहीं। कभी नहीं देखा। अभी स्कूल कितना दूर है आपका? हमारा मोकला पर। मोकला पे? और जो यहाँ गांव में ये आपकी बस्ती में बना हुआ है यहाँ पे कोई मास्टर आता है? नहीं आता गाँव पर आते गाँव पर आता है। इधर ये जो स्कूल बना हुआ है इसमें हमारे स्कूल है मास्टर नहीं आता नहीं आता। आप पढ़ाई करना चाहते हो कुछ आता है आपको कितने क्या क्या बोलना आता है आपको? 30 तक गिनती बोलो तो एक बार। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और कैखे गड़े भी आता है
कुछ नहीं आता, गिनती गिनती आती, गिनती के कबूतर वगैरह आता है बना लिया। अच्छा, कोई सादे बिया हो तो उर मैंने ईज बनाऊं, पसे जिता आदमी वन जिमन वाला वो हिसाब में चूरमो बनाऊं, घी भुगता हूँ, गुड़ भुगता हूँ महीनों, और डाल कर हागड़ बढ़िया बना, और जेड़ा जिमन वाला है उन अलग अलग प्लेटों में डाल जिमा दें बस। मतलब ये मेहमान नवाजी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आप राम रोट बना के खिलाते हो। हाँ, वो इन बढ़िया मानते हैं। अच्छा, राम रोट को अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं। एक इस राम रोट में कितने लोग खा लेते हैं? राम रोट में हमें एक रोट बनाया तो ये तो अपना थोड़ा जिम्मे वाला कम बता रहा, तीन किलो रोट बनाए नहीं तो पाँच सात किलो रोट बना दे। पाँच सात किलो, पाँच सात किलो रात बढ़िया बने हैं पूरे महीना, पाँच सात किलो रोट वो तुम पंद्रह आदमी जिम है एक रोट। अच्छा। एक रोट में तो पंद्रह बराबर खाने जिम्मे वाला कौन है, कोई पाँच जिम है तो कोई अधपा जिम है, वो जिम ताकत दूर फुल है। घी 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 चूर में कितना घी लगता है उस एक राम रोट में, पाँच सात किलो बनता तो घी चूर में कितना, एक रोट में पाँच किलो रोट हुआ तो महीना घी तो आधो किलो में बस फुल हो जाए, आधो किलो घी एक पाक गुड़ बस। गुड़ राम रोट और किस किस के साथ खाया जाता है? घी के साथ हो गया और दाल सब्जी क्या? और दाल में रोट, रोट दाल में मेल है और दही में चूर खाओ और फिर खाओ ना खाते में पे खाओ, दूध में खाओ तो बड़े बढ़िया हो। अच्छा, आप दूध दूध का क्या करते हो, जमाते हो क्या करते हो? दूध में जमाते हूँ और बाद में, बाद में पसंद बिलोते हूँ। अच्छा, बेचते नहीं? ना दूध नहीं बेचते, दूध में बेचा हुई को। अच्छा, बिलोना करते हो? हाँ बिलोना करते, मशीन है कौन, हाथों करते हो? हाथ से बिलोना करते, हाथ से बिलोना करते। हमारे कोई मेहमान आओ ना स्वागत करना चाहिए भला कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसलमेर जरूरी है, मेहमान वहाँ खुश रहो, स्वागत करना जरूरी है, और जैसलमेर का कारण है। हाँ कारण हाँ है, वो बाइट में रोटी मोड़ो ये बाइट में डाल पास रोटी को कम जिम्मा हो, बाइट में रोड़ो बाइट में थोड़ा ओके मोड़ो। फोटो लेंगे इसका, कितना दूर छाछ है ये? गाय का, गाय का, भेड़ का थोड़ी ना इसमें, आप केवल गाय की छाछ करते हो और भेड़ की दूध की बच्चे का? अच्छा, बच्चे को पिलाते हो? बुखारा हुआ है तो बिलोन करो। अच्छा, कितने दिन का है ये? ये गाय का। कितने दिन का है? दो दिन का। दो दिन का, दो दिन का एक साथ करते हो तो खट्टी नहीं हुई गई? कितने गाय है आपके पास? तीस। तीस गाय है? तीस गाय को इतना ही दूध हुआ क्या? इतना लूट है।
अच्छा डलावा है और हाँ। अच्छा कितने की करोगे आज? दो बार करोगे। ये देसी गाय है आपके पास? सॉरी अच्छा सुबह सुबह का काम रहता है आपका? काम भी हो जाता है हाँ। एक्सरसाइज भी हो जाती है हाँ। इसको क्या बोलते हैं? नेत्र नेत्र। और इसको कड़ी झरना देखो ऊपर करना। इसको किसकी बनी हुई है? कुसरी की। आपने बनाई है? लेके लेके आए हो मोल। और इसको क्या बोलते हैं? बिल्लाने मसी। अच्छा ये कितनी देर में हो जाएगी? साथ एक घंटा लगेगा। अच्छा गाय रोटी लेने के लिए आई है, रोटी डाल देना इसको। हाँ दोस्तों ये लगभग 30 गाय हैं इनके पास में, और ये सुबह सुबह गाय रोटी लेने के लिए आई है। और ये देखें क्या नाम इसका है, दूध देती है। तो कुछ इस तरह के ये घर है, ये देख पा रहा हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी गर्मी भी नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये इनकी जो दिनचर्या होती है सुबह सुबह की वो दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हो पूरे घर, आप यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जो गांव है वो देख पा रहे हो। कल इस बच्चे के लग गई थी तो हमने इसको थोड़ा ट्रीटमेंट किया था, और काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। लेकिन यहाँ के बच्चे संघर्षशील होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। कैसे नींद आई रात को? दर्द तो ना हुआ तेरे? हुआ नहीं? हुआ नहीं, टेबलेट देने के बाद में फिर भी हुआ? नहीं। हाँ टेबलेट देने के बाद नहीं हुआ। हाँ वो दर्द अभी थोड़ी ना हो रहा है? अब एक दवाई लगाई लगा दी। अच्छा ठीक हो जाएगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो इनके घर। आप देखोगे ये नया घर बना रहे हैं, और इनकी हाइट होती है ना तो बहुत कम होती है। और ये इस तरह के यहाँ पे झोपे हैं, और ये सुबह सुबह का टाइम है और छाछ बना रहे हैं। ये किसके दूध है? गाय का। गाय का? आप सिर्फ जो छाछ बनाते हो गाय के दूध की बनाते हो? अच्छा और इसको क्या बोलते हैं? और इसको अच्छा इस पूरे को छाछ करने की मशीन। शहरों में गांवों में तो लाइटें आ गई, तो वो मशीनें आ गई है ना। और आपके यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन आप सुबह सुबह एक घंटा काम करते हो है ना, तो इसमें आपकी कसरत भी हो जाती है। तो ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर ये दृश्य आप देख पा रहे हो। और ये बॉर्डर इलाका है तो यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये जो भी करते हैं, जो इनकी आय होती है, जो भेड़ बकरी होती है ना, उनकी आय से ही ये सब कुछ अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर नज़ारे आपके साथ में शेयर करें। तो दोस्तों मैंने यहाँ जयपुर में ये जो गोरैया है ना, ये वाली चिड़िया वो नहीं है। आप कमेंट के करके बताइए आपके शहर में ये चिड़िया है कि नहीं है, वो कमेंट करके बताइए। ये देख सकते हो मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ, ये वाली आप अच्छी तरह देखिए और कमेंट करके बताइए आपके शहर में ये चिड़िया अभी मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि हमारे जयपुर सिटी के अंदर तो ये लगभग ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक दिन पूरा ट्राई किया था इसको ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को किसी भी जगह पे ये चिड़िया नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे ये भी है, और कुछ तरह ये अंदर का इनका झोपा होता ना वो आप देख पा रहे हो।